अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना ये दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वो प्यार आपको जीने ही ना दे। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है तो वो धोखा दर्द नहीं देता है, दर्द वो यकीन देता है जो आपने उस शख्स पे किया होता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पे खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने दिल को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। मैं अपनी इस सदा पे थोड़ा गुरूर करता हूँ, चाहे गुस्सा हो या प्यार भरपूर करता हूँ। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, पर कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चलना। जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मुस्कुराना तो आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे नाराज ही रहती है। पैसा सिर्फ किसी का लाइफस्टाइल बदल सकता है, उसके विचार और नीयत नहीं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अकल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। अच्छे जरूर बने लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वो मेरे हाथ को हाथ लगा कर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा ये दौर भी, आप जरा धीरज तो रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आप बदल गए आपकी मजबूरी होगी, अब हम बदल जाएंगे इसे हमारे उसूल कहते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना, न जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं।
इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए टाइम निकालो। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने चाहा होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिसके साथ होने का गुरूर था मुझे, उसी ने ही मेरे इश्क का मजाक बनाया है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जिसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे? गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। ये भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। पता उनकी भी न थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे, और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना पीसना और निचोड़ा जाना अंतिम बूंद तक, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है,
और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। इसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है ना, सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पे इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूँ। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो
को आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में, वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं एहसास से कायम रहता है। कुछ दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों।
किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब कि रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूट कर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है।